लेकिन व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आई हूँ आईडी कार्ड के ऑफिस। आईडी कार्ड के ऑफिस मैं इससे आई अपना आईडी कार्ड पिक करने, और मैं इधर अंदर एंटर हो रही। आप वेदर देख सकते हैं कितना प्यारा है, और सुबह का टाइम है, और मैं काफ़ी देर बाद निकली हूँ सुबह सुबह। और आप देख सकते हैं रश कितना है आईडी कार्ड के ऑफिस। आप देखें हमारी बारी कब आती है। फाइनली हमारी बारी आ गई है, अब हम इधर से अपना आईडी कार्ड पिक करते हैं। इसी पे मैंने छोटी सी ये वीडियो बना ली। ये देखें बेर्ज इनकम सपोर्ट के लिए कितनी लाइनें लगी हुई हैं। वापसी पे जाना था मामा ने, डॉक्टर के पास। इधर आए हैं हम डॉक्टर के पास, और मामा ने अपना चेकअप वगैरह करवाना था, और वही चेकअप वगैरह करवानी है मामा। बनाने लगी हूँ बेसन की बर्फी, और जो मटेरियल बना के हम रखेंगे उसमें किस में रखना है, सबसे पहले आपने ग्रीस कर लेना है, देसी घी लगा लेना है। मैं भी सारा लगा लूँ, उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सारा मैंने देसी घी लगा ली है जिसमें मटेरियल बनाना था, और ये ग्रीस हो गया। अब इसे हमने रख देना साइड पे, और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने एक बर्तन लिया, उसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप ऑयल। ऑयल थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, क्योंकि बाद में आपको मैं बताती हूँ क्या करना है उसका। डालने लगी हूँ बेसन 1 कप, और मैंने इसे छान लिया था, और छान के 1 कप मेजरमेंट करके, मैंने तो अपना घर वाला कप लिया था उससे डाल रही हूँ। थोड़ा सा घी और डालने लगी हूँ, इसे अच्छे से मिक्स करें सबको, और मिक्स करके मैं मिलती हूँ आपको, फिर दिखाती हूँ कैसा बना है। ये इस शेप में आ गया। 1/2 कप मैं चीनी ले रही हूँ पीसी हुई, इसमें मैंने 4 इलायचियाँ भी ग्राइंड कर ली थी चीनी के साथ, और इसे अच्छे से मिक्स करना है इसके साथ। सारा मैं डालने लगी हूँ मटेरियल जो हमने हमने रेडी किया है, वो सारा डालने लगी हूँ बाउल बाउल के बीच। ये देखें सारा डाल दिए। अब हमने इससे अच्छे से, जैसे आपने लगाना है, देसी घी हमने पहले ही लगा लिया था गर्मा गर्म, और ये लगा के मैं मिलती हूँ सेट होगी। अब इसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स आपने डालने डाले, मैं तो इसके ऊपर बादाम डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं हैं। काट लेती छुरी के साथ निशान लगा लेती हूँ, मैं स्क्वायर ही काट रही हूँ। देखिए मैंने सारे निशान वगैरह लगा लिए हैं। 3 घंटे में रखूँगी बेसन की बर्फी को, उसके बाद मज़े से मैं खाऊँगी। मैंने एक डली निकाल ली है साइड पर, मैं दूसरी थोड़ी सी मैं टेस्ट करने लगी हूँ। बहुत ही यम बनी, आप भी बना के ट्राई करिएगा, और जब आप बनाए मुझसे कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। हो गई थी मैं रेडी, मुझे जाना था कहीं, ये आपको आगे जाके वीडियो में पता चलेगा। और ये 2-पीस ड्रेस था, और दुपट्टा मैंने घर से मैचिंग किया, और सेम लग रहे हैं। मुझे आना था आज मामी की तरफ, और मैं आ गई हूँ मामी की कॉलोनी में, एंटर हो गई हूँ, और मामी को लेके मैंने आगे जाना है। मम्मी को हमने ले लिया था, और हमने जाना था सपने कब्रिस्तान, और हम लोग वहाँ ही जा रहे थे, और कब्रिस्तान को देख के बहुत ज़्यादा डर लगता है। इधर हम सब आ गए थे कब्रिस्तान, मामा और मामी फातिहा वगैरह पढ़ रहे थे नाना नानी की कब्र में। अल्लाह ताला जितने भी हैं जन्नत फिरदौस में सबको जगह दे। मेरी नानों की कब्र जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था, अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमाए, आमीन। जितनी भी ज़िंदगी है नेकी की हदायतें, आमीन। मामा और मामी आ गए थे नाना जी की कब्र पे, और मामा और मामी फातिहा पढ़ रहे थे नाना जी की कब्र पे। इधर मैं बैठ गई थी अपने नाना जी की कब्र पे, मुझे अपने नाना नानी से बहुत ज़्यादा प्यार था, अल्लाह ताला सबको जन्नत फिरदौस में जगह दे, आमीन। हम सब कब्रिस्तान से हो आए थे, और मामी की तरफ आ गए थे। इधर मेरी कज़न सोई हुई थी, मैं उससे तंग करी थी। मामी चाय वगैरह बना रही थी, उनके साथ मामी ने रखे थे शामी ड्राई फ्रूट थे, बिस्किट थे, और निम्को वगैरह थी, और मामा इधर खाना भी स्टार्ट हो गई थी सारी चीज़ें, और मैं भी खा के मिलती हूँ। हम लोगों ने सब कुछ खा लिया था, और इधर हम कर रहे थे मज़े मज़े की बातें मामी से, सीटियाँ वगैरह मार रहा था, और मुझसे बहुत डर रहा था, और मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आ रहा था।
मामू ने मंगवा लिए थे शवारमा वगैरह, और टेस्ट करते हैं शवारमे को, और टेस्ट बहुत अच्छा है। जहाँ से मैं खाती हूँ मामू ने वहाँ से ही मंगवाया है। चले मैं खा के आप लोगों से मिलती हूँ। मैं घर आ गई थी, ये रात के 12 बज रहे थे और मुझे लग गई थी फिर से भूख। मामा ने कहा नेबर्स के घर से आए मीठे चावल, वो खा लो। वही खा रही थी। इधर ही मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।